नमस्कार दोस्तों, हेलो आप सभी को। दोस्तों, पिछला व्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा। हमने कहा था आगे की सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे और अब हम जा रहे हैं, बज रहे हैं लगभग 4 और हम जा रहे हैं बाइक रेंट पे लेने। हमने उसमें डाला था, ऑनलाइन चेक किया कि कितना रेंट हमें जितना घूमना उतने का पड़ रहा है। रॉयल पेट्रिस का हमने डाला, उसमें आया तो जितना आ रहा था समझ लीजिए 28% इसमें GST ऐड हो गई, तो रेट बहुत ज़्यादा दिखा रहा था। तो हमारे पास ऑनलाइन उतना बचा नहीं था, हमने कहा कि उनसे हमने बात की, इंक्वायरी की, तो उन्होंने हमने ये कहा कि अगर हम पार्ट पेमेंट ऑनलाइन पार्ट पेमेंट कैश कर दे तो हो जाएगा, तो उन्होंने साफ सा मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सॉरी सर, नहीं हो पाएगा, और कोई सेवा हो तो बताइए। हमने कहा जब आपने सारे दरवाजे ही बंद कर दिए हैं तो आपके लायक और क्या सेवा बची। उसके बाद हमने तुष्ट होटल में बात की, वो भी एक बाइक रेंटल एजेंसी है, यहाँ पे बहुत नामी है दोनों। तुमने उनके यहाँ बात की, हमने अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने वो हमारी हेल्प करने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, आप हमारे सरजापुर रोड वाले आउटलेट में आ जाइए। हमने हमसे पहले पूछा कि गाड़ी में कौन सी लेनी है, तो वो तो आपके लिए सरप्राइज़ है, मैं अभी नहीं बताऊँगा, आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। तो उन्होंने कहा सरजापुर रोड वाले आउटलेट में आप आ जाइए, हम जैसे चाहे आप करना चाहें कर दीजिएगा, आपके पास कैश हो, ऑनलाइन हो, कुछ स्टाफ हैं वो करवा देंगे। तो अभी हम थोड़ा रुके हुए हैं, ये देखिए हमारा ये एक्शन कैमरा चार्ज हो रहा है। इसकी बैटरी थोड़ी सी कम थी, हमने सोचा फुल बैटरी कर लेते हैं, क्योंकि हम इससे शूट करेंगे ना, बाइक राइड करेंगे तो उसी से शूट करना पड़ेगा, हाथ में मोबाइल तो लेके घूमेंगे। चार्ज हो जाए फिर हम तुरंत ओला कैब बुक करते हैं, बुक करके हम चलते हैं उनके आउटलेट में। सोच रहे हैं ओला ऑटो कर लें, क्योंकि वो सस्ती पड़ रही है, हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिंगल इंसान है। तो यहाँ से तकरीबन 24 किलोमीटर है, 400 समथिंग दिखा रहा है चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक बार हमें हायर करना है और उसके बाद बाइक आ जाएगी अपने पास। हम एक साथ पूरी पेमेंट हम कर देंगे, जितने दिन का बताया उतने दिन आप चलाओ। हाँ, एक और चीज़ है, उसमें जो किलोमीटर्स की लिमिट है वो 1690 किलोमीटर की लिमिट दे रहे हैं, तो हमारा 500 समथिंग आना जाना सब मिला के जाएगा, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन फ्यूल भी अपना हमें पड़वाना पड़ेगा। तो वो गाड़ी जो हम ले रहे हैं वो मतलब लॉन्ग टूर के हिसाब से भी अच्छी, सिटी कम्यूट्स के हिसाब से भी अच्छी है और फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, तो हमारा फ्यूल कॉस्ट भी बचेगा काफ़ी हद तक। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप गेस करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि हम कौन सी बाइक हायर करने जा रहे हैं। देखते हैं आप में से कौन बिना देखे सही बता पाता, अपन देखे आप हमसे झूठ बोल सकते, लेकिन अपने आप से नहीं। देखते हैं कौन इतना चतुर है, कितना को जानता है बाइकिंग कम्युनिटी के बारे में। तो अभी हम चल रहे हैं, अभी चार्ज होके ओला कैब बुक करते हैं, फिर आपसे आगे मिलते हैं इस वीडियो में बने के लिए। तो दोस्तों, एक्चुअली में थोड़ा सा चेंज आ गया हमारे प्लान में। हम कह रहे थे ना कि हम बाइक रेंट करने जा रहे हैं, बाइक आज नहीं रेंट कर पाएंगे, क्योंकि देखिए 4 ऑलरेडी बच चुका है और यहाँ से कम 1 घंटा वहाँ पहुँचने में लगता है, वहाँ से आने में, और वैसे भी दिन ख़त्म ही हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ से आज जाएंगे मार्केट, जाएंगे यहाँ से महात्मा गांधी रोड, आसपास की और भी जितनी मार्केट वो एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या क्या है वहाँ पे, खाएंगे पियेंगे जो भी कुछ है आपको सब अपडेट करते रहेंगे। अभी यहाँ से हम ओला ऑटो करेंगे, उसका 150 रुपये का अराउंड चार्ज बता रहा है। तो हमने ये भी सोचा है कि बाइक रेंट अगर कल करेंगे मॉर्निंग में,
तो अब से लेकर कल के मॉर्निंग तक का जितना पैसा पड़ रहा था ना, वो हमारा बच जाएगा और कम देना पड़ेगा। और मार्केट वार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही पड़ती हैं, सब हम एक्सप्लोर कर लेंगे, उसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस आएंगे नहीं। बड़ा सोच समझ के हमें चलना पड़ेगा, ऐसे कमी तो कोई नहीं है। पापा कह रहे हैं कि वो फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे जो जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितना है उतने में हो जाए तो अच्छा रहेगा, जो कुछ होगा बाकी तो वो वही है। तो अभी चलते हैं, चलिए मार्केट। अभी हम ओला कैब करने जा रहे हैं, कैब आएगी जब आना होगा, जल्दी आ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो आगे मिलते हैं आपसे। नहीं चढ़ना मत भाई, चढ़ना मत, दोस्तों हमने ओला ऑटो बुक कर लिया है, हमें कम से कम 10 मिनट से ज़्यादा लगा बुक करने में। इतनी देर से बता नहीं रहा था कि रिक्वेस्टिंग रिक्वेस्टिंग, अब जाकर आया है, अब आता है तो निकलते हैं अपना सैर सपाटे के लिए। आ रहा होगा 1-2 मिनट में, चलते हैं यहाँ से। अच्छा, सेंट मैरी वाला ना। दोस्तों हम पहुंच गए मार्केट, इन भैया ने हमारी बहुत मदद की है, इनका तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए कुछ कहना चाहेंगे चैनल सब्सक्राइब करने को? बहुत अच्छा आदमी है, पूरा सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल, अब इन्होंने कह दिया तो आप अब तो करने से नहीं रोकेंगे। चलिए बार बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ जी हाँ, दोस्तों हमने चैनल भी उनका उनसे सब्सक्राइब करवा दिया है, तो हम यहाँ पहुँच गए मार्केट, और अभी हम यहाँ कुछ खाएंगे पियेंगे फिर घूमेंगे। देखिए आप मार्केट इसका व्यू ले सकते हैं आप, देखिए तो दोस्तों ये शिवाजी नगर है, कॉमर्शियल स्ट्रीट, यहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी, कपड़े की दुकान, खाने की दुकान। तो अभी हम आप यहाँ से शुरुआत करें। तो दोस्तों हमारा चिकन कबाब आ गया है, ये 80 रुपीज़ का, चलिए ट्राई करके देखते हैं कैसा होता है। तो दोस्तों हम थोड़ी प्रॉब्लम में फंस गए, हम जिस मार्केट पे उसे ड्रॉप किया था ऑटो वाले ने, शिवाजी नगर मार्केट, वहाँ नॉन वेज के अलावा कोई आउटलेट ही नहीं दिखाई दे रहे थे। हाँ समझ लीजिए बताशे हो गए, वड़ा पाव, साउथ इंडियन तो कोई नहीं दिखा, और वहाँ से ओला उबर भी नहीं मिल रहा, हमें कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के मेन रोड आना पड़ा। अब यहाँ से लेंगे, ख़राब एक्सपीरियंस रहा। हम जा रहे हैं MTR रेस्टोरेंट, जहाँ का हम साउथ इंडियन फूड ट्राई करेंगे, और यहाँ से ओला करेंगे मेन रोड से। देखिए दोस्तों यहाँ आना पड़ा हमें, यहाँ से देखते हैं मिलती है कोई नहीं, उम्मीद तो करते हैं मिल जाए।
बस हमने मंगाया मसाला डोसा, इस साल बाद भी मंगवाई थी लेकिन वो थी नहीं, तो हमने कहा मसाला डोसा ले आओ। इडली वैसे भी ब्रेकफास्ट के टाइम ज़्यादा अच्छी लगती है, अभी हमने मसाला डोसा मंगाया, देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा होता है, कैसे हम अपने उधर खाते हैं नॉर्थ में, वहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस है ये देखते हैं। तो साउथ में जहाँ का ओरिजिन है वहाँ चीज़ खाएंगे तो ऑथेंटिक लगती है, यहाँ देखते हैं कैसा होता है खाते हैं। तो दोस्तों डोसा हमारा आ चुका है, ये 2 मिनट लगे आने में, ये देखो ये है, और साथ में घी है, सांभर है, चटनी है, देखते हैं कैसा होता है, हमें तो लग रहा है कि कुछ डिफरेंट होगा, देखते हैं खाते। तो दोस्तों बात तो है इसमें, मतलब काफ़ी ऑथेंटिक ओरिजिनल है, ये मज़ा आ रही है। हमारे उधर जो खाते हैं एक्चुअल में हमारे यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज़ करते होंगे, यहाँ कोकोनट ऑयल यूज़ हो रहा है तो डिफरेंस तो आएगा ही। अलग से घी दिया है हमने इसमें आपका घी ऐसे डाल के टेस्ट बढ़ जाता है, काफ़ी मज़ा आ रही दोस्तों, चलते हैं वापस ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों खाना हमारा हो गया है और डोसा अच्छा था, लेकिन इनका एक सिस्टम हमें समझ में नहीं आया, इनके पास मेन्यू नहीं रहता, ये ऐसे बता रहे थे कि क्या क्या है, कितने क्या कॉस्ट है वगैरह वगैरह, लेकिन अच्छा था डोसा, हमें मतलब ऐसा फील नहीं आया कि बस अपने घर के आसपास खा रहे हैं। हाँ अपना तेल यूज़ होता है, यहाँ प्योर ऑथेंटिक कोकोनट ऑयल यूज़ हो रहा है, उसमें चटनी पहले से पड़ी थी आलू में, और साथ ही साथ आपका सांभर था, तो अलग से चटनी और दी हुई थी, 125 रुपीज़ का पड़ा तो रेट सही था। तो अभी बुलाई है हमने ओला ऑटो, वापस होटल चलते हैं। तो दोस्तों अभी आपसे होटल रूम में मिलते हैं। कर रहे हैं ये देखिए दोस्तों बेंगलुरु का नेट भी, तो अंत में यही कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऑलरेडी हैं सब्सक्राइब नहीं किया फिर भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद एनकेएसएस ब्लॉग्स, बाय बाय।